गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड, आई एम योर मैथ्स टीचर। टुडे आई विल टीच यू मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ाऊंगी। बेटा ओपन योर बुक। बेटा जैसे कि चैप्टर टू चल रहा था तो निकाल लिए चैप्टर टू लेक्चर एट पेज नंबर टू हैज 25। प्लीज़ हेल्प मी टू मेक अ सम ऑफ 14। बेटा देखिए एस 6 प्लस इक्वल 14। बेटा आंसर कितना आ रहा है? 14। 6 प्लस 8, 6 में 8 को ऐड किया, आंसर 14। ठीक है। टी प्लस 13 इक्वल 14, आंसर 14 आ रहा है। तो हमने 1 ऐड कर दिया 13 में जब 1 ऐड किया 14 आ गया। ओके। यू 5 प्लस इक्वल 14, 5 प्लस 9, आंसर हमारा 14 आ गया। ओके। वी प्लस 10 इक्वल 14, 4 प्लस किया, आंसर 14। डब्लू प्लस 3 इक्वल 14, तो यहाँ 11 प्लस 3 किया, आंसर आ गया 14। ठीक है। एक्स 12 प्लस इक्वल 14, 12 प्लस बताइए बेटा 2, 12 प्लस 2 किया, आंसर 14 आ जाएगा। इसी तरीके से वाई 7 प्लस इक्वल 14, 7 प्लस 7, आंसर 14। जेड 9 प्लस इक्वल 14, 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 किया, आंसर आ गया 14। ओके। तो बच्चों ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको होमवर्क में करना है, कैच द पेयर ऑफ फिश दैट मेक अ सम ऑफ 18 फ्रॉम द पॉन्ड। बेटा ये देखिए, ये फिश दी हुई हैं पॉन्ड में, ठीक है। आपको पेयर्स बनाने हैं, आंसर है 18। ठीक है, इस तरीके से आप पेयर्स बनाएंगे। 9 प्लस 9 18 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये देखना है और यहाँ पर पेयर्स बनाने हैं, आंसर है 18। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। लेक्चर कंप्लीट। थैंक यू क्लास।